कैश लेटर वालों की बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं। नियरली कैश लेटर वालों का टाइम आ चुका है कि वो अब यूके में आने वाले हैं। एक तो दो तरह से मतलब यूनिवर्सिटी कैश लेटर रिलीज करती है, एक तो वो हो गया जो नवंबर का लास्ट वीक है, तो भाई कल से है ना कैश लेटर की झड़ी लगने वाली है। एक तरह से यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं होने वाला, किसी भी तरह कोई काम नहीं होने वाला, सब कुछ यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का वीडियो होने वाला बहुत ज़्यादा स्पेशल। स्पेशल किन लोगों के लिए होने वाला है भाई? जो यूके में आना चाहते हैं, जिन जिन स्टूडेंट का प्रोसेस चल रहा है ऑलरेडी यूके में, जिनकी एप्लीकेशन चल रही है ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ में, उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाला है। और दूसरे नंबर में बात करूँ तो कैश वालों की, तो कैश वालों के लिए भी मैं कुछ एक बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। तो वो भी क्या है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। कहीं ना कहीं मतलब हर पॉइंट आपसे रिलेट होगा और आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा। वीडियो शुरू करने से पहले यार एक बात, मैं एक पॉइंट के बारे में बात करना चाहूंगा भाई। यूजली क्या होता है ना, जो कैश लेटर वाले स्पेशली जो वेट कर रहे हैं अपने कैश का, चलो आपका कैश आ जाएगा, अगर आपका कैश आ जाए ना तो आपकी 100% एप्लीकेशन यहाँ पर मतलब कि 100% वीजा मिल ही जाएगा यूके का, अगर आपके पास मतलब आपको कैश मिल गया। बट उसके बाद क्या है ना यार, अकोमोडेशन की इस कंट्री में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है, अकोमोडेशन स्टूडेंट्स को मिल नहीं रही है भाई। स्टूडेंट्स सड़कों पे मिल रहे हैं, आपने काफ़ी वीडियो भी देखी होंगे किसी यूट्यूब चैनल पर, मेरे चैनल पर नहीं किसी और के चैनल पर, कि भाई जो स्टूडेंट्स है वो क्वेरी कर रहे हैं कि भाई हम सड़कों पे मतलब फिर रहे हैं रात को, हमें अकोमोडेशन नहीं मिल रही। उसके बाद क्या हो रहा है दूसरे नंबर पर, क्या बात है यार, एक जो स्टूडेंट आ रहा है ना अपनी कंट्री से, उनको अकोमोडेशन मिलती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं होटल में रहना, मतलब होटल में वो स्पेंड करना चाहते हैं, रैदर देन इन दो ऑप्शन के जो मैंने आपको बताए, उनसे बेटर है मैं आज के आपके सामने आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ बस जो आपकी हेल्प करेगा, आपके फिंगर टिप्स पर रहेगा। और वो क्या है, तो मैं बात करता हूँ एम्बर अकोमोडेशन की, एम्बर स्टूडेंट अकोमोडेशन। तो भाई ये अकोमोडेशन भाई यूके में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इसके मतलब गुड रिव्यूज़ दे रहे हैं, और ट्रस्ट पायलट साइट पर वेबसाइट पर इसके 4.8 रिव्यू है आउट ऑफ 5, तो बहुत ट्रस्ट वर्थी ये वेबसाइट है एम्बर स्टूडेंट्स। एम्बर स्टूडेंट्स की जो अकोमोडेशन है भाई, मेरे दो तीन फ्रेंड हैं मेरे कुछ मतलब क्लोज ही हैं, वो भी एम्बर अकोमोडेशन में रह रहे हैं, उनसे मैंने पहले थोड़ा रिव्यू लिया मतलब कैसा भाई रिव्यू है इनका कैसा है, तो भाई 100% इन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। क्योंकि भाई इसमें क्या है ना, हर तरह की अकोमोडेशन है, चीपर प्राइस से लेकर हायर प्राइस तक सभी तरह की अकोमोडेशन इसमें अवेलेबल है। और भाई इनके रूम्स, सिक्योरिटी, क्लीननेस और इनकी फैसिलिटी भाई मतलब बहुत अच्छा है यार। इनकी जो स्पोर्ट है ना 24/7 है भाई, किसी भी टाइम इनको कॉल कर सकते हो, मेल ड्रॉप कर सकते हो, तो भाई ये जल्दी से जल्दी आपकी जो क्वेरीज होगी ना वो रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। और भाई सबसे मेन चीज़ क्या होती है, जब आप यूके में आ जाओगे ना तो यार अकोमोडेशन मिल जाए ना, आते ही अकोमोडेशन मिलगी ना तो सोचो यार आपका मतलब 50% काम पूरा हो गया। उसके बाद क्या होता है, जॉब ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है यूके में, मैं आपको गाइड करूंगा कैसे आपको जॉब ढूंढनी है, बट मैं रिकमेंड करूंगा एम्बर अकोमोडेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरे लिंक के थ्रू इस अकोमोडेशन को बुक करें, एम्बर अकोमोडेशन पर जाएं, लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे ना तो एम्बर अकोमोडेशन की वेबसाइट खुल जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरे लिंक के थ्रू गए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत भी आती है बाद में जब आप मेरे थ्रू मतलब मेरे लिंक के थ्रू आप बुक करते हो, तो भाई आप मेरे से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा अकोमोडेशन से। बस सबसे बढ़िया है अगर आप कंट्री में बैठे हो तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते ही अपनी अकोमोडेशन बुक कर लेते हैं जितना जल्दी हो सके, जैसे आप यूके में आ रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है यार, कैश लेटर वालों की बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं। नियरली कैश लेटर वालों का टाइम आ चुका है कि वो अब यूके में आने वाले हैं। दिसंबर मंथ में आप जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो भाई होपफुली आप इस कंट्री में होंगे, यूके में आ जाएंगे आप विद इन दिसंबर और जनवरी तक, मतलब इन दो मंथ के अंदर अंदर आप सभी है ना यूके में आ जाओगे भाई, मैं बैठ शोर हूँ भाई। कैश वालों का क्या फंडा चल रहा है मैं बता देता हूँ भाई, क्वेरीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि मेरा भाई कुछ ऐसे स्टूडेंट थे ना, कोई अक्टूबर में जिन्होंने मतलब अपनी ऑफर लेटर मिल चुका था, फीस सबमिट कर दी थी, कुछ नवंबर में भी थे जिन्होंने मतलब 1 नवंबर में मतलब कैसे भी था, तो मतलब कैश का ओवरऑल वेट कर रहे थे सब, तो मैं कैश लेटर के बारे में बता दूँ। तो यार कुछ डेडलाइन होते हैं यूनिवर्सिटी की, अब कैसे होता है ना कि यार एक तो दो तरह से मतलब यूनिवर्सिटी कैश लेटर रिलीज करती है, एक तो वो हो गए जो अर्ली, जिनकी एप्लीकेशन अर्ली आई, जिनका सब कुछ ओके था, तो उनको कैश लेटर ऑलरेडी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देते हैं, जिनके एकेडमिक्स अच्छे हैं, जिन्होंने फीस काफ़ी अच्छी पे करी है, और जिनका मतलब सब ओवरऑल जिनकी एप्लीकेशन मतलब अट्रैक्टिव है, तो उनको कैश लेटर मिल चुके हैं। दूसरे नंबर में बात कर लेता हूँ भाई, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे होती है ना भाई जिनकी क्लासे फरवरी में स्टार्ट होने वाली हैं, तो यार जनवरी तक आपको कैश लेटर मिल सकता है। भाई ओवरऑल मैं कैश लेटर वालों को बोलना चाहूंगा ना, तो यार आपको ज़्यादा स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, अब कैश लेटर रिलीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। आउट ऑफ 100 कम से कम भी 20-25% स्टूडेंट्स को ही कैश लेटर मिले हैं, 75% स्टूडेंट अभी भी वेट कर रहा है कैश लेटर की, थोड़ा सा डिले चल रही है। पहले पता क्या होता था, ऑन टाइम हर चीज़ थी क्योंकि एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब पता क्या हो रहा है एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो यूनिवर्सिटीज़ के ना मतलब 15 और 30 डेज है ना वो थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी है, मतलब स्लो चल रही है यूनिवर्सिटीज़। और अब क्या होगा भाई, कल मंडे है ना, आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो नवंबर का लास्ट वीक है, तो भाई कल से है ना कैश लेटर की झड़ी लगने वाली है एक तरह से। और डेडलाइन में बोलूँ तो मतलब टाइमलाइन क्या है, तो भाई मैं बोल सकता हूँ 20 दिसंबर तक मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्सिटीज ट्राई करेंगी कि
सभी स्टूडेंट्स को वो कैश लेटर रिलीज कर दे। बट जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा ना कैश लेटर, तो उनके चांसेस जनवरी में भी रह सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है आपकी कोर्स से। अगर आपका कोर्स जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट है तो चांसेस बहुत थोड़े कम रहेंगे, अगर फरवरी में स्टार्ट है तो आपके जनवरी तक भी आपका कैश लेटर आ सकता है। तो आप सभी को यार स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है, अभी तो यूनिवर्सिटीज यार सिर्फ कैश लेटर रिलीज करना स्टार्ट ही करेंगी यार। थोड़े सी स्टूडेंट को कैश लेटर मिला, ज्यादा को नहीं मिला। ऑफर लेटर भी कुछ यूनिवर्सिटी अभी ऑफर लेटर ही दे रही है भाई, तो कैश लेटर तो दूर की बात है, बट कैश लेटर इस वीक से स्टार्ट हो जाएंगे आपके आने, और होपफुली सभी को कैश लेटर मिल जाए। और बिफोर क्रिसमस वो कोशिश करेंगे कि बस सभी स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन वो सॉर्ट कर चुके, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 23rd से और 3rd जनवरी तक यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं होने वाला, किसी भी तरह कोई काम नहीं होने वाला, सब कुछ यहाँ बंद रहेगा, हॉलीडेज रहेंगे क्रिसमस की। तो ये यूनिवर्सिटी मेक श्योर करेंगे कि उनसे मतलब क्रिसमस से पहले आपका सब कुछ शॉर्ट कर दें। तो भाई ये चल रहा है। तो अगर आप कहीं थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस आउट हो रहे हो अपने कैश लेटर को लेकर, तो यार मैं सबसे सिंपल सोल्यूशन सिर्फ एक ही चीज है इसकी, तो भाई मेल योर यूनिवर्सिटी, रिंग दैम योर यूनिवर्सिटी, आओ उनको फोन करो, उनको मेल करो, फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी दे रखा है, अपनी डिटेल डालो, उनको सेंड करो। तो यार वो जितना आप यूनिवर्सिटी के टच में रहोगे ना, तो उतना ही आपका बेनिफिट होने वाला है। तो बेनिफिट कैसे हो गया, एक स्टूडेंट्स का मेरे पास मतलब मेरी बात हुई थी उसका इंस्टाग्राम पे, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं है तो इंस्टाग्राम आईडी ये रही, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली सभी के रिप्लाई कर रहा हूँ वॉइस नोट के साथ। तो मेरी बात हुई तो उसने, उसके एजेंट ने उसको क्या बोला कि भाई तू मेल मत करना, तेरा नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। तो भाई मुझे नहीं पता भाई वो क्या गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, क्या नहीं कर रहे हैं, बट मैं अपने चैनल पर मैं कोशिश करता हूँ आपको रियलिटी बता सकूँ। जितना ज़्यादा आप अपनी यूनिवर्सिटी के टच में रहेंगे, जितना ज़्यादा उनको मेल डालोगे, तो उतना ही ज़्यादा उनको ये यकीन होगा कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है, इस कंट्री में पढ़ने ही आना चाहता है। तो भाई मेल दैम, रिंग दैम, तो यार दो ही ऑप्शन है भाई, दड़ा से लग जाओ यार, क्योंकि टाइम अभी इतना मतलब ज्यादा टाइम नहीं बचा आने के लिए, आपको आना, आपकी एप्लीकेशन है भाई यूके में आना, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, तो आपका फैसला आपके हाथ में है भाई। अगर किसी तरह की और कोई हेल्प चाहिए भाई किसी और केस में, तो भाई मेरे को कमेंट भी डाल सकता है, मेल कर सकता है, और इंस्टा पे भी मैं हूँ। और थोड़ा सा यार मैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है थोड़ा रिप्लाई करने में, वो क्यों लग रहा है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ चुकी हैं, और भाई यूके में टाइम नहीं होता, सिर्फ वीकेंड पे मैं फ्री होता हूँ दो दिन, वैसे मेरा ऑफिस और मंडे टू फ्राइडे मेरा ऑफिस होता है, दो दिन मैं फ्री होता हूँ, तो और भी बहुत सारे काम होते हैं मेरे भाई, बट मैं कोशिश करता हूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपके आंसर कर सकूँ। तो भाई ये था मेरा वीडियो कैश लेटर वालों के लिए, ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना आपको, और इजिली आप होपफुली आप विद इन 2 मंथ्स के अंदर आप यूके में होंगे। और जिसका कैश लेटर भाई आता रहे भाई, प्लीज़ कमेंट करें और मेरे को बताना, तो भाई मुझे बहुत खुशी होगी। और किसी और चीज़ के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।